हाय हेलो दोस्तों, बहुत सारे आपके लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट है कि क्या हमें रेडमी टीवी ख़रीदना चाहिए या नहीं, क्या इस टीवी का पैनल अच्छा है या नहीं, क्या ये टीवी सस्ता है तो हमें अभी लेना चाहिए या नहीं। और एक और बात बड़ी आपको ये बता दूँ, आपको ये लेना चाहिए या नहीं, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब के बारे में। बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल टॉक हिंदी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट से चलते हैं हम वीडियो के मेन टॉपिक पर, क्यों हमें ये टीवी नहीं ख़रीदना चाहिए। दोस्तों, Xiaomi ने Redmi का नया टीवी लॉन्च किया जो काफ़ी सस्ता काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले फटाफट से मैं अगर इसकी बात करूं, सबसे बढ़िया जो मुझे इस टीवी में लगा, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा ओल्ड टीवी 4A Pro से। इसके अलावा सबसे बड़ा मुझे अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला वो दो तीन चीज़ों में मिला। पहला, इसमें 5 GHz का वाईफाई सपोर्ट दिया गया है। 2.4 इनकी ओल्ड टीवी 32 इंच में दिया गया था, बट इस बार इन्होंने 5 GHz का सपोर्ट दिया है, जिससे अच्छी इंटरनेट स्पीड आपको टीवी के साथ मिल सकती है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया इस टीवी के साथ, और जो मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट लगा, इसकी साउंड क्वालिटी। साउंड तो सेम वही है 20 वोट का, बट कुछ सॉफ्टवेयर को लेकर या कुछ हो सकता है हार्डवेयर में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, जिसमें जो डॉल्बी का साउंड है काफ़ी अच्छा क्लियर और एकदम सराउंड साउंडिंग आपको यहाँ पे सुनने को मिलता है। ये मुझे सीरियसली बहुत बहुत अच्छा लगा। बट जहाँ बात आती है इस टीवी के डिस्प्ले पर, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट होता है अभी भी, बट मैंने काफ़ी सारे सोर्सेस से पता किया इसमें। आई थिंक सैमसंग का पैनल IPS जो है वो यूज़ किया गया है। और आपका एक क्वेश्चन था इसकी ब्राइटनेस कितनी है, तो दोस्तों इसकी ब्राइटनेस 200 से लेकर 250 के बीच में आती है, जहाँ तक मुझे पता चला है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो 220 निट्स तक की आती है, फिर भी ये टीवी काफ़ी अच्छा मुझे ब्राइट लगा। टीवी के डिस्प्ले के कलर्स या ब्राइटनेस से मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे जो टीवी में सबसे बड़ा इशू लगा, जो हो सकता है मैं यहाँ लाइव आपको दिखा सकूं, तो इसका है UI। हो सकता है ये नया टीवी है, इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है, बट ये इनके पुराने जो टीवी है, जैसे पैचवॉल है या एंड्रॉयड है, जैसे मैं अभी इसको एंड्रॉयड में स्विच कर देता हूँ, तो इसकी जो स्विचिंग टाइमिंग बोल सकते हैं या ऐप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम बोल सकते हैं, या वापस से होम स्क्रीन में जाने का टाइमिंग होता है किसी एप्लीकेशंस को चलाते हुए, तो वो बहुत बहुत बैड एक्सपीरियंस मुझे मिला, बहुत गंदा एक्सपीरियंस मुझे मिला। कई बार तो इनफैक्ट अगर मैं यूट्यूब पर कोई गाना चला रहा हूँ और मैं ये होम बटन प्रेस कर देता था, तो ये समझो 10 से 15 सेकंड तक बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक प्ले हो रहा था, और मैंने एक या दो एप्लीकेशन ही इसके अंदर इंस्टॉल्ड किया है। और साथ ही साथ आप दिखा दूं मैं आपको, इसके जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। 8 GB रोम के साथ आता है, जिसमें मुझे अभी 3 GB फ्री मिला हुआ है अन्य थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को, ताकि मैं प्ले स्टोर से उनको डाउनलोड करके यूज़ कर पाऊँ। फिर भी सफिशेंट है, नहीं बोल सकते कम है, बट हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता तो बहुत अच्छा लगता, 100-500 ज़्यादा ले लेते, पर यहाँ 8 की जगह इनको 16 GB का इंटरनल मेमोरी ज़रूर देना चाहिए था। ठीक है, रैम 1 GB है, नो इशू, बट कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना था, तो उन्होंने क्रॉस कटिंग की है बोल सकते हैं कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इसके अलावा जो मुझे इस रेडमी टीवी के अंदर एक इशू देखने को मिला, वो इशू देखने को मिला है ऑटोमेटिक ये टीवी, या हो सकता है मेरे इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो, मैं कोई एप्लीकेशन चलाता हूँ 10-15 मिनट तक उस एप्लीकेशंस को कंटिन्यू अगर मैं रन कर रहा हूँ, तो ये टीवी उस एप्लीकेशंस को रन करते, मान लीजिए मुझे वीडियो चेंज करना है, वीडियो को आगे या पीछे करना है, साउंड कम या ज़्यादा करना है, उस कंडीशन में ये टीवी बिल्कुल फेल हो चुका है। ये टीवी अपने आप ऑफ होकर चालू हो रहा है। इसके लिए मैंने अमेजन पे रिप्लेसमेंट आज ही क्रिएट किया है। 19 तारीख की उनके टेक्नीशियन की विजिट है, हो सकता है उनके टेक्नीशियन आए, देखे, प्रॉब्लम रिजोल्व हो, बट टीवी रिप्लेस कर दे। उन्होंने मुझे एक अच्छी चीज़ लगी अमेजन की, उन्होंने मुझे अभी इसी समय ये बोला कि सर
कोई इशू नहीं है, बिना टेक्नीशियन के आपका टीवी हम पिकअप कर लेते हैं और आपको आपका पूरा पैसा वापस कर देते हैं। बट मुझे मेरा पैसा वापस नहीं चाहिए, मुझे टीवी ही चाहिए, तो इसलिए मैंने उनका रिफ़ंड वाला जो ऑप्शन था वो ठुकरा दिया है और मुझे रिप्लेसमेंट ही चाहिए। इसके लिए मैंने उनकी टेक्नीशियन विजिट कराई है। तो दोस्तों, अगर आप टीवी लेना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका UI बोल सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर जो है या तो इम्प्रूवमेंट सही तरीके से हुआ नहीं है, नया टीवी है अभी एक भी अपडेट आया नहीं है, अनबॉक्सिंग के बाद से हो सकता है आने वाले अपडेट के साथ ये वाली जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाए। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस क्रैश हो रही है इसमें, या हो सकता है टीवी क्यों बंद होके चालू हो रहा है, उसका मुझे अभी तक कोई पता नहीं चला है। टेक्नीशियन आएंगे क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता, फिर ही मैं कोई वीडियो लेकर आपको बता सकता हूँ। अभी अगर आप ये टीवी ले रहे हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, थोड़ा सा रुक सकते हैं आप, उनकी मी टीवी 4A प्रो ले लीजिए, होराइजन एडिशन ले लीजिए, रेडमी टीवी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, क्लियर कट अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप वो टीवी ले सकते हैं। बट जितने भी अभी मेरे पुराने वीडियो पे चल रहा है डोंट बाय रेडमी टीवी, डोंट बाय शाओमी टीवी, ऐसा कुछ भी इशू मुझे अलग से देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम मुझे, हो सकता है जो वीडियो देख रहा हूँ उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही हो। बहुत सारे लोगों को मुझे सुनने में मिला कि रिमोट ऑटोमेटिक जो है इसका वो अनपेयर हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया है रेडमी टीवी के ऊपर कि इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उनको अच्छी नहीं लग रही है, तो मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ है, जो मुझे साथ हुआ है मैंने बता दिया है, मुझे कोई इशू नहीं लगा है, बस ये ऑटोमेटिक रिबूट होने वाले इशू को छोड़ करके बाकी बहुत अच्छा कमाल का टीवी है। अब कोई भी प्रॉब्लम मुझे आती है मैं ज़रूर आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।